चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रेन के बारे में और ये कितने टाइप्स के होते हैं और हुक्स लॉ के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रेन होता क्या है। वी कैन डिफाइन स्ट्रेन एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, कोई बॉडी हो गया, मान लीजिए इसमें हम टेंसाइल लोड लगा लिए, कोई फोर्स लगा दिए, तो मेरा ये लोड लगाने के बाद क्या होगा कि इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ चेंज होगा। जैसे कि लेंथ इसका चेंज हो गया, मान लीजिए इसका कुछ लेंथ चेंज हो गया, मेरा इतना लेंथ चेंज हो गया, ठीक, इतना लेंथ चेंज हो, इतना लेंथ इंक्रीज हो गया मेरा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन हम किसके कहते हैं कि चेंज इन लेंथ, कि इसमें चेंज हुआ कितना, तो उसके लिए हम जितना लेंथ इंक्रीज हुआ माइनस जितना मेरा एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ कितना है एल अपॉन एल, क्योंकि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो एल से एल कट जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा क्या, डेल एल अपॉन एल, ठीक। तो स्ट्रेन का मतलब होता है कि द रेशियो ऑफ इंक्रीज द लेंथ, कि मेरा लेंथ कितना इंक्रीज हुआ बाय ओरिजिनल लेंथ। चलिए देखते हैं यहीं पे स्ट्रेन, इसको डिनोट करते हैं इस ई से, ठीक है, इस टाइप के ई से। तो स्ट्रेन, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन, कि डायमेंशन कितना चेंज हुआ बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो अब चलते हैं उसके टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स के स्ट्रेन होते हैं। चलिए इसके चार तरह के स्ट्रेन होते हैं, चार टाइप्स के होते हैं। न पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेन, दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेन, तीसरा होता है शेयर स्ट्रेन एंड चौथा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलिए इसके बारे में हम लोग बारी बारी से समझते हैं। चलिए टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन होता क्या है, चलिए पहले पढ़ते हैं क्या होता है। व्हेन ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इट्स लेंथ इंक्रीजेज, द रेशियो ऑफ इंक्रीजेज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर इट्स टर्म एज अ टेंसाइल स्ट्रेन। इसका कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक बॉडी है, जब हम इस बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड करते हैं, तो इसका क्या होता है, कुछ ना कुछ इसका लेंथ चेंज हो जाता है, ठीक। तो जब लेंथ चेंज हो जाता है तो मेरा कितना लेंथ चेंज हुआ, मेरा जितना लेंथ चेंज हुआ और मेरा जो ओरिजिनल लेंथ है, उन दोनों का रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं इसलिए हम लोग कहेंगे उसको टेंसाइल स्ट्रेन। देखिए मान लीजिए कि मेरा एक्चुअल लेंथ था, पहले से इसका लेंथ था एल, जब इसमें हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई की तो क्या हो गया, लेंथ बढ़ गया, डेल एल इंक्रीज हो गया। तो अब हम देखते हैं कि मेरा पहले लेंथ कितना था प्लस मेरा इसका लेंथ कितना है, तो हम देख लिए दोनों को ऐड कर दिए, तो इसके सॉरी ये मेरा हो गया मेरा चेंज इन लेंथ, मेरा लेंथ कितना चेंज हुआ, ठीक। उसके बाद ये ओरिजिनल लेंथ, इसमें से जब हम इसको घटा देंगे तो मेरा डेल एन क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये हो गया मेरा टेंसाइल स्ट्रेन। अब हम लोग बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन के बारे में कि कंप्रेसिव स्ट्रेन होता क्या है। चलिए देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होता है। व्हेन ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुश ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इट्स लेंथ डिक्रीजेज, द रेशियो ऑफ डिक्रीजेज द लेंथ ऑफ द मेंबर टू द ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब है जैसे कि हम ये मेरा कोई बॉडी है, मान लेते हैं ए बी सी डी, जब हम इस बॉडी को कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, कंप्रेसिव लोड मतलब दोनों तरफ से इसको फोर्स लगाते हैं, जब इसको फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि इसका मेरा लेंथ डिक्रीज हो जाता है, लेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो हम लेंथ डिक्रीज हो, अब इसमें कितना लेंथ डिक्रीज हुआ, जितना लेंथ इसमें से डिक्रीज हुआ और जो मेरा एक्चुअल लेंथ है, इसके रेशियो को कहते हैं हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेन। मान लीजिए मेरे पास पहले लेंथ था एल, ठीक, उसके बाद मेरा हो गया एल माइनस एल, डिक्रीज द लेंथ इतना हो गया। तो अब जब हम इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाता है कि मेरा बच जाता है डेल एल अपॉन एल, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चलिए
अब फिर हम लोग जानते हैं कंप्रेसिव शेयर स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए शेयर स्ट्रेंथ, अब शेयर स्ट्रेंथ होता क्या है, जैसे पहले देखते हैं, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स नॉट इन ए सेम लाइन इट्स टेंड्स टू शेयर ऑफ क्रॉस द रेस्टिंग सेक्शन द रेशियो ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ अलोंग द फोर्स इज टर्म्ड बाय द शेयर स्ट्रेंथ। इसका कहने का तात्पर्य है कि जैसे मेरे पास कोई एक बॉडी है, इसका हम एक एंड को क्या करते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं, ये मेरा एल हो गया बॉडी का लेंथ। जब हम क्या करते हैं, पैरेलल फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स पैरेलल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं हम, एक फोर्स ये लगा रहे हैं, तो इसके कारण मेरा क्या हो जा रहा है कि मेरा देखिए यहाँ पे देखिए फोर्स लगने के बाद क्या हो जाता है, मेरा ये चेंज हो जाता है। जैसे इतना मेरा बॉडी चेंज हो गया, मेरा लेंथ इतना था, तो क्या होगा कि चेंज इन लेंथ, मेरा लेंथ कितना चेंज हुआ, सी सी डैश अपॉन, और इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था मेरा बी सी, तो ये हो गया मेरा बी सी। तो इसको कहते हैं हम लोग शेयर स्ट्रेन, जो शेयर फोर्स के कारण जो मेरा स्ट्रेन होता है कि जो मेरा चेंज लेंथ होता है और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो होता है उसको कहते हैं हम लोग शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन ई एस इज इक्वल टू सी सी डैश चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बी सी बी सी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द मेंबर इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, बल्क सेक्शन भी बोलते हैं, बल्क स्ट्रेन भी बोलते हैं। चलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जब हम किसी बॉडी पे, मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई बॉडी का हम इसमें कोई भी फोर्स हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो उसके कारण मेरा क्या हो जाता है, बॉडी का जो होता है वॉल्यूम कुछ ना कुछ चेंज होता है। मेरा जितना वॉल्यूम चेंज हुआ, मान लीजिए मेरा वॉल्यूम भी चेंज हो गया, डेल भी चेंज हो गया, तो डेल भी चेंज हो गया, उसके बाद डेल भी अपॉन हम भी कर देंगे, जितना लेंथ चेंज हुआ बाय ओरिजिनल, जितना वॉल्यूम चेंज हुआ बाय जितना वॉल्यूम है उसको कहेंगे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलिए अब फिर हम लोग डिस्कस करते हैं हुक्स लॉ के बारे में, कि हुक्स लॉ क्या कहा हम लोगों को, क्या होता है हुक्स लॉ। देखिए इसके बारे में पहले जानते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय स्ट्रेस। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई कर ले, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन होगा, लेंथ चेंज होगा, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो हुक्स लॉ में कहा गया है कि स्ट्रेन, जितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उतना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। जब स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी मेरा बढ़ेगा, लेकिन ये कब तक होगा, विद इन द इलास्टिक लिमिट, जब ये टूट जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी है विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये इलास्टिक लिमिट, जब ये इलास्टिक लिमिट के बाहर चले जाता है तो उसके बाद ये क्या होता है, ये काम नहीं करता है, ये ब्रेक हो जाता है। ये था मेरा आज का टॉपिक, हुक्स लॉ, शेयर स्ट्रेन, स्ट्रेन का टाइप्स एंड स्ट्रेन होता क्या। चलिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।